कराची गुलिस्तान जौहर में खातून को हिरासा करने वाला मुलजिम अभी तक जो है वो गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। हैरान कुन बात यह है कि हमारी काबिल सिंध पुलिस को इतना अंदाजा भी नहीं कि किसी एक कंपनी की एक मॉडल की एक जैसी 50,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें एक वक्त चंद किलोमीटर में ही घूम रही होती हैं। क्या इस बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार करके उसके पूरे खानदान की इज्जत को दांव पे लगा देना ये कहां तक सही है कहां तक गलत नहीं, ये तो खैर जिन्होंने किया अच्छा, है वैसे इतनी अजीब सी बात है ये कि मतलब ये एक कॉमन सेंस की बात है कि सबको पता है कि इस कंपनी की बाइक सारी एक जैसी लगती है तो नंबर प्लेट से पता चलेगा। और आई थिंक सो मैंने किसी जगह पे खबर पड़ी कि उसकी बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी बिल्कुल, तभी वो नहीं पकड़ा जा रहा। सालिक शाह हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं सालिक कि आखिर क्या हुआ है, मैं भी ये समझ बैठी थी कि पकड़ा गया है, तभी मैंने बोला फाइनली पकड़ा गया और ये बाद में दावा निकला। गुलिस्तान-ए-जौहर के इलाके गुलिस्तान-ए-जौहर ब्लॉक 4 हुसैन मुगल अजारा गोड़ से मुत्तसिल गलियों पर 3 जुलाई 2023 की दोपहर 11:30 बजे हैरेसमेंट का पेश आने वाला वाकया 10-11 रोज़ गुजर जाने के बावजूद पुलिस के लिए मुअम्मा बना हुआ है। और जो मुलजिम जिसने वो शर्मनाक हरकत की थी, राह चलती हुई लड़की को उसने पकड़ने की कोशिश की थी, उस मुलजिम का ताहाल पुलिस कुछ सुराग नहीं लगा सकी। इस हवाले से पुलिस के जराए ये बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की पूरी पुलिस उस मुलजिम को तलाश कर रही है, जिसकी तलाश में गुलिस्तान जौहर के अलावा पहलवान गोट, हुसैन हजारा गोट, मुगल गोट और मुगल हजारा गोट जो है और उसके अलावा शांति नगर डालमिया तक के इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है। उसके अलावा कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हुए मुश्तबा जो घर थे उनकी भी तलाशी ली है, ताहम पुलिस को किसी भी किस्म की कोई भी कामयाबी नहीं मिल सकी। इस हवाले से पुलिस जरा ये बताते हैं कि उस मुलजिम की तलाश में पुलिस ने करीबन 150 घर जो हैं उनकी सर्चिंग की है, जबकि 900 घर जो पहलवान गोट के इलाके में मौजूद हैं उनकी भी सर्चिंग की गई है, जहां पर लेडी सर्चर्स की मदद से उन घरों को तलाश किया गया था, वहाँ पर उस मुलजिम की तलाश के हवाले से छापे मारे गए थे। जबकि पुलिस जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 150 के करीब जो खवातीन हैं उनको, जो बंगलों पे काम करने वाली जो खवातीन हैं उनको भी इंटेरोगेट किया गया है, ताकि उस लड़की का पता चलाया जा सके जो घरों में, जो लड़की मुबैना तौर पे घरों में काम करने वाली लड़की थी जिसको हैरेसमेंट का निशाना बनाया गया था। जबकि जराए इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि पुलिस हुकाम ने मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने सर्च ऑपरेशन के साथ साथ उन्होंने जो मुश्तबा जो गैराज हैं, पेट्रोल पम्प हैं और उसके अलावा जो आने जाने वाली सड़कें हैं उनकी भी CCTV फुटेजेस हासिल की हैं, ताहम पुलिस को किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं मिल सकी। वाज़ह है कि जो सालिक आपने हमें अपडेट किया और जलिया नाजरीन के अभी तक जो है वो कोशिशें जारी हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इस शख्स को, इस घिनौने शख्स को जो है वो पकड़ लिया जाएगा। इसके लिए आवाम से भी जो है वो मदद दरकार है। खैर इसी बारे में फहीम जितनी एफर्ट्स की जा रही है ना, बिलाखिर इसने पकड़े जाना है, डेफिनेटली पकड़े जाना है और इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा। क्योंकि देखिए जुर्म जितनी देर तक भी मुजरिम जो है वो घूमता फिरता रहे लेकिन वो एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। और ये तो एक दिमागी मरीज है, इसके बारे में एक डॉक्टर से बेहतर मेरे ख्याल में सारी और कोई नहीं जान सकते। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोइस, उनसे बात कर लेते हैं और पता करते हैं कि इस शख्स की दिमागी हालत ऐसी क्यों है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा। और शुक्र है कि मीडिया ने इस किस्म की हरकतें जो हो रही है इस वक्त हमारे माशरे में, इसको मंजर आम पे ला रहा है, सामने ला रहा है और मुसलसल इसके ऊपर बात हो रही है। डॉक्टर साहब एक सवाल ले लीजिएगा प्लीज, फिर उसके साथ आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए ऐसे लाखों करोड़ों शख्स हमारे माशरे में, दुनिया में घूम रहे हैं जो कि जहनी मरीज हैं। घर में जब ऐसा कोई जहनी मरीज होता है तो लोग उससे बात नहीं करते, क्योंकि हर दिमागी बीमारी को लोग पागलपन समझते हैं, ना ही वो खुद से जो है वो इस बात को एक्सप्लेन कर पाता है। मैं चाहूंगा कि ऐसे मरीजों की जो नफ्सियात है आप उससे शुरू करें, ताकि फिर जाकर के आवाम को यह पता चल सके कि हमारे आस पास ऐसे नफ्सियाती कितने लोग घूम रहे हैं। देखिये पहली तो बात ये कि इंसान नफ्सियाती बनता क्यों है। आप इन लड़की की बात कर रहे हैं, इसने तो सरेआम एक हरकत की जिससे पता चला कि ये कोई एबनॉर्मल किस्म का आदमी है, मगर आपको नहीं पता कि इस वक्त माशरे में कई ऐसे लोग हैं जो नफ्सियाती मरीज हैं मगर उनका पता नहीं चलता क्योंकि उन्होंने अब तक कोई ऐसी हरकत नहीं की। आपके माशरे में तलाक का रुझान नफ्सियात की वजह से, मर्द हो या औरत हो, चोरी चकारी नफ्सियात की वजह से, गन पॉइंट पे स्नैचिंग हालात की वजह से, मगर इसमें नफ्सियात का अमल दखल भी है। तो पहले तो ये देखना है कि माशरे में अगर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसमें इंसान जुर्म करने के बाद डरे या जुर्म करते हुए डरे कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे सजा होगी और मेरी माशरे में बदनामी होगी, तो वो जुर्म नहीं करेगा।
या कम से कम कम हो गए जराइम। जराइम होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने लोगों को वो सहूलतें मुहैया नहीं की। मिसाल के तौर पर एक शख्स भूखा है, खाने को नहीं है, तो वो चोरी करेगा। अब ये जो नौजवान के अंदर एक रुझान पैदा हुआ है, जिनसी रुझान जो पैदा हुआ है, वो उसकी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। और खासकर मैं इस नौजवान की भी बात करूंगा। देखें, आपका सोशल मीडिया, इंटरनेट आपको हर वो चीज दिखाता है जो उसूलन नहीं देखनी चाहिए बच्चों को। बच्चे, नौजवान ये चीजें देखते हैं। अब एक इश्तियाल पैदा होता है, जिनसे इश्तियाल, दूसरा एक हार्मोनल चेंजेस आते हैं 14 साल की एज के बाद बच्चों के अंदर, बिलखसूस लड़कों में बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बढ़ता है। जब ये बढ़ता है तो उसके पास उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए कोई वेन्यू नहीं है। मसलन फॉर एग्जांपल, ये एनर्जी कैसे चैनलाइज होती है? बाहर मुल्कों में स्पोर्ट्स, एथलेटिक, इस किस्म की चीजों में बच्चा जाता है, पसीना निकलता है, थक हार के घर पे आता है। ये वो तरीके जिससे ये एनर्जी निकल सके और बच्चा जो है वो एक सेहतमंद माशरे में एक सेहतमंद फर्द बन के रह सके। अनफॉर्चुनेटली यहाँ स्कूल तो है मगर ग्राउंड नहीं है, और कई पार्क ऐसे हैं जिसके ऊपर अब बड़े बड़े बिल्डिंगें बन चुकी है। तो अब ये बच्चे जाएंगे कहाँ पर? तो ये आहिस्ता आहिस्ता नफसियाती बनते। एक बात मैं आज आपको बता दूं कि अगर एक कोई शख्स को नफसियाती प्रॉब्लम है, वो अगर वो बहुत ज्यादा वक्त अपने सेल फोन पे, सोशल मीडिया पे सर्व करता है, तो उसका नफसियाती मर्ज और बढ़ता जाएगा। तो उसका इलाज सबसे अच्छा ये है कि लोग अपने दोस्तों में जाएं, बाहर जाएं, घर से बाहर निकले, स्पोर्ट्स, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें वो इन्वॉल्व हो, तो फिर ये नफसियाती प्रॉब्लम कम हो जाएगा। अच्छा, मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब, इसकी जो जड़ है उस पर भी थोड़ा काम होना चाहिए। ये जो अभी मोबाइल पर जो कंटेंट देखा जाता है और उसके बाद ये जो सारी आपने सिचुएशन बयान की है, इस पर मैं आपसे चाहूंगी कि आप थोड़ा सा गाइड करें पेरेंट्स को कि ये गैजेट का इस्तेमाल किस तरह कंट्रोल किया जाए, बच्चों को रागिब कैसे किया जाए कि वो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ आए, बजाय इसके कि वो घर में पड़े रहें और मोबाइल देखते रहें और देखते रहें, और पेरेंट्स भी इस पर खामोश हैं कि ज्यादा लम्हा फिक्री आए। देखिए, पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व है, पेरेंट्स खुद लेके, मतलब एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की बीवी मुझे एक दफा मिली एक वर्कशॉप में, मुझसे कहती है कि मेरा हस्बैंड सुबह उठ के सबसे पहले सोशल मीडिया देखता है, पलंग पे लेटे लेटे पहले ये करता है, अल्लाह रसूल का नाम नहीं, सोशल मीडिया देखता है। तो अगर तो माँ बाप भी तवज्जो नहीं देते, क्योंकि उनका अपना भी है ना, वो सोशल मीडिया ने ऐसा इन्वॉल्व कर दिया है। जहां इसके फायदे हैं, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे फायदे भी हैं, वहां नुकसान भी बहुत है। तो माँ बाप को मॉनिटर करना पड़ेगा। कितने सालों से ये बात कही जा रही है कि माँ बाप होश में आए, आपकी नस्ल बर्बाद हो रही है, आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। ये बेटियां शादी करके अगर जाएंगी भी तो तल्लाके हो जाएंगी, बिकॉज वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके लिए जो ये वर्चुअल रियलिटी वाली दुनिया है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस दुनिया को हकीकत मानने लगी है। इसी तरह लड़कों के साथ प्रॉब्लम होगा। अब माँ बाप जब तक देखे, और कोई रास्ता नहीं, हुकूमत नहीं रोक सकती, इस कॉन्टेंट को आप नहीं रोक सकते। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, इंटरनेट के बगैर आपकी जिंदगी मुमकिन नहीं है। तो अब माँ बाप को तवज्जो देनी पड़ेगी कि मेरा बच्चा बैठा हुआ है सेलफोन लेकर, वो क्या देख रहा है। ये माँ बाप को सख्ती करनी पड़ेगी। और मैं तो ये समझता हूँ कि स्कूल्स के अंदर ये लाजिम हो जाए कि 14-15 साल तक का बच्चा अगर स्कूल आता है तो उसके पास मोबाइल फोन नहीं हो। अगर कोई इमरजेंसी हो तो स्कूल के फोन से माँ बाप को फोन किया जाए। ये क्यों नहीं बंद करते आप स्कूल क्यों नहीं करती इस चीज को बंद? बच्चों को कम से कम जो स्कूल के टाइमिंग है उसमें तो बच्चा मोबाइल फोन से नहीं खेलेगा या मोबाइल फोन उसके पास नहीं होगा। घर पे आने के बाद माँ बाप फिक्स कर लेंगे, ठीक है, 1 घंटा या 2 घंटे मैं तुम्हें फोन दूंगी, मगर मैं चेक करूंगी कि तुम फोन पे क्या देख रहे हो। क्योंकि तो आपने जो तजवीज दी है ये खैर काफी अरसे से चल रही है, और माँ बाप अपनी जान छुड़ाने के लिए ज्यादातर जो है, माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को फोन पकड़ा देते कि लो भाई तुम इसके ऊपर ब्राउजिंग करते रहो, हमें अपनी लाइफ सुकून से जीने दो। ये एक अलमिया अलग है। सवाल मेरा आपसे इस वाक्य को लेकर के एक बार फिर यही है कि ऐसे जहनी मरीजों की निशानदेही हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो हमारी सराउंडिंग में है। कोई ऐसे सिम्टम्स, कोई ऐसी चीजें जो कि जिससे जाहिर हो सके कि ये किसी तकलीफ में है, भाई इलाज की इन्हें जरूरत है या ये जहनी तौर पर सही नहीं है, उनकी निशानदेही अगर आप फरमाएंगे डॉक्टर साहब तो ज्यादा ईजी रहे। देखिए, इसकी बहुत सारी निशानियां है। फॉर एग्जाम्पल, घर के अंदर माँ बाप देखे कि बच्चा बातें कम कर रहा है, अपने कमरे में ज्यादा रह रहा है, और उसके कमरे के अंदर कोई ऐसा मवाद मिले, या बच्चा जो है वो गुस्सा ज्यादा करने लगा है, छोटी छोटी बातों पे वो छिड़ने लगा है, अपनी स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई में उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, तो ये इंडिकेशन हो जाती है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, कोई ना कोई उस चीज को परेशान कर रही है। ठीक है, सही, वहां से फिर इन्वेस्टिगेशन का आगाज होता है। दूसरा, अदरवाइज घर से बाहर दोस्त अगर एक दूसरे को ध्यान रखे,
कि मेरे दोस्त के बिहेवियर में, रवैये में फर्क आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा अपोजिट सेक्स की बात करना या इस किस्म की चीजें की बात करना, जिससे ये रुझान पैदा हो कि इसके अंदर कोई कश्मकश चल रही है या उसका जिंसी रुझान जो रगबत है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो कम से कम दोस्त इस चीज का ख्याल रखे ना। देखिये, हमें करना ही होगा, अगर इस माशरे को ठीक करना है तो हमें से हर शख्स दूसरे शख्स की जिम्मेदारी ले कि हम दूसरों पे नजर रखे और कोई हम पर नजर रखे। जहां कोई हमें माशरे को ठीक करना है तो हमें एक दूसरे की जिम्मेदारी लेनी होगी। डॉक्टर साहब, बहुत ही जबरदस्त आपका मशवरा हम तक पहुंचा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ थे। इंशाल्लाह आपको जहमत देंगे आइंदा भी बात करने के लिए। तो सही डॉक्टर साहब ने जितनी भी निशानियां बताई हैं ना कि जी लोग फारिग बैठे रहते हैं, घर में होते हैं, काम नहीं करते, एक्टिविटीज नहीं करते, इस वजह से ऐसे मरीज हो जाते हैं। मैं वैसे आपको बात बताऊं फहीम, मेरी नजर में एक छोटा सा मशवरा है जो जितनी मेरी अकल है उसके मुताबिक, हम लोग इतने बिजी हो चुके हैं अपनी लाइफ में, हम लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम बच्चों के साथ एक घंटा दो घंटे कम से कम इस तरह गुजारें कि ना हमारे पास मोबाइल हो ना टीवी हो, हम उनसे बैठ के बात करें, उनसे पूछें कि उनके जहन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। जब हम ये टाइम देंगे ना तो हमें किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। अपनी औलाद को वालिदैन ज्यादा बेहतर समझते हैं, वो चेंज ज्यादा खुद बेहतर फील कर सकते हैं, वो करेंगे। बेहतरीन थेरेपी यही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए तमाम वालिदैन को। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी, फैसले की पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज़, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।